दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए 13 से 19 अगस्त 2022 तक की 11 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए यहाँ पर बड़ा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 13 से 19 अगस्त 2022 तक की टॉप 11 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, BSF में भर्ती है। हेड कांस्टेबल के लिए 1312 वैकेंसीज निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू होगी, लास्ट डेट 19 सितंबर 2022 है। लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं 12वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST EX सर्विसमैन के लिए फीस नहीं है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है SSC में, सब इंस्पेक्टर SI के लिए यहाँ पर भर्ती है। दिल्ली पुलिस और CAPF के अंतर्गत 4300 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए 10 अगस्त से चल रहे हैं, लास्ट डेट 30 अगस्त 2022 है। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। CBT फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो भी SSC में ही निकली है, JEE की भर्ती है। 800 से अधिक पद खाली है। 12 अगस्त से आवेदन शुरू है, लास्ट डेट 2 सितंबर 2022 है। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। CBT और DV से इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी BSF में ही निकली है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SI स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। 323 वैकेंसीज है। 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 4-5 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न फिजिकल मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो निकली है इंडियन नेवी में, ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है। 112 वैकेंसीज है। 6 अगस्त से 6 सितंबर तक आवेदन चलेंगे। लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो joinindiannavy.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है ITBP में, कांस्टेबल पियोनियर के लिए 108 वैकेंसीज है। 19 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। फिजिकल मेडिकल रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो भी ITBP में ही निकली है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट है। 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। 12th GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। फिजिकल रिटर्न और मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, NCC स्पेशल एंट्री स्कीम आउट जैक कोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। 17 अगस्त से 15 सितंबर तक और 24 अगस्त से 22 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। ग्रेजुएट और LLB से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25, 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है।
फीस जमा नहीं करनी होगी। पीटी एसएसबी इंटर मेडिकल एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो भी ITBP में ही निकली है, असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। इसके लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2022 है। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। 400 रुपये फीस SST फीमेल के लिए नहीं है। फिजिकल रिटर्न मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो भी इंडियन आर्मी में निकली है। SSC ऑफिसर के लिए 191 वैकेंसीज है। 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 20 से 27 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी। पीईटी SSB जो मेडिकल एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 11 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकली है IBPS बैंक में। POMT की पोस्ट है। 6432 वैकेंसीज है। इसके लिए भी 22 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो। 14500 से 25700 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 850 से 175 रुपये फीस है। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो IBPS.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 13 अगस्त से 19 अगस्त 2022 तक की टॉप 11 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।